उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले अचानक सीएम बनने पर चर्चा में रहे, तो अब तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के चलते चर्चा में हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि आजकल की महिलाएं फटी जींस पहनकर चल रही हैं। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गम्बूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जेएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूँ? दरअसल सीएम बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में संस्कार कैसे आते हैं ये अभिभावकों पर निर्भर करता है। स्कूल में किताबी ज्ञान शिक्षक ने दिया है, लेकिन मैंने कहा संस्कार घर से होते हैं। आज इसलिए बिगड़ रहा है कि घर में संस्कार का अभाव है और जिसमें संस्कार है वो कहीं फेल नहीं हो सकता है। कितना भी अंग्रेजी घुटा लो, अंग्रेजी से कोई संस्कार कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला है।